बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर की गोद ली हुई हमीरपुर शहर के साथ लगती ग्राम पंचायत अनुकला में पीएम मोदी के स्वच्छता अभियान को दरकिनार किया जा रहा है और खुले नाले में गंदगी और सीवरेज बहाई जा रही है। अनुकला पंचायत में कुछ घरों के साथ सीवरेज का गंदा पानी खुले नाले में बहाये जाने पर ग्रामीण उग्र हो गए हैं। ग्रामीणों ने एकत्रित होकर सीवरेज की गंदगी को लेकर विरोध दर्ज करवाया और प्रशासन से समस्या के हल की मांग की है। अनुकला पंचायत को सांसद अनुराग ठाकुर ने 2 सालों के लिए गोद लिया हुआ है और सांसद निधि के तहत ही पंचायत में विकास कार्य करवाए जा रहे हैं, लेकिन इस तरह पंचायत में गंदगी का आलम होने के कारण पंचायत के लोग ही मुखर हो गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जब सांसद की गोद ली हुई पंचायत का ही ऐसा हाल है तो बाकी जगह क्या होता होगा। उन्होंने बताया कि हालांकि पंचायत में गंदे पानी के लिए गड्ढे बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग नाले में गंदा सीवरेज का पानी फेंक रहे हैं, जो कि गलत बात है। ये सीवरेज लाइन ऊपर से आ रही है, हमारे पीने के पानी के स्रोत के पास छोड़ी गई है। साथ में हमारा काला माता जी का मंदिर है, हम चाहते हैं कि इसको कहीं और इसका जो है ये बनाया जाए और इसको खुले नाले में ना छोड़ा जाए। बाकी पूरा गांव जो है सीवरेज लाइन से ये नहीं है, अटैच नहीं है, क्योंकि ये पंचायत एरिया है, कमेटी में सीवरेज लाइन है, पंचायत में कोई सीवरेज लाइन नहीं है अभी तक। ये तो ये 3-4 परिवार हुए प्रधान को, हमने बोला, प्रधान ने आके कामर को बाया, वार्ड पंच और चौकीदार आए हुए थे, रात को 9 बजे उन्होंने काम बंद करवाया था, उसके बाद इन्होंने फिर डाल दी। हम तो प्रधान के पास भी जाएंगे, आगे डीसी साहब के पास भी जाएंगे, क्योंकि ये तो हमारा पर्सनल थोड़ी है, पूरा गाँव इससे बीमारियाँ पड़ेगा, कल को बीमारियाँ लगेंगी, गाँव बीमार होगा। ये अनुराग ठाकुर जी ने गोली हुई पंचायत है, जब इसका ये हाल है तो बाकी क्या होगा। और साथ में हमारे प्रधान जी सीवरेज सॉरी खड्डे के लिए पैसा दे रहे हैं, करोड़ों रुपए का बजट आया हुआ पंचायत में, इस टाइम खड्डे बन रहे हैं हमारी पंचायत में, हमारे वार्ड में भी बन रहे हैं, उसके बावजूद भी ये पानी जो है नाले में फेंका जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। ग्रामीण महिला ने बताया कि सांसद अनुराग ठाकुर की गोद ली हुई पंचायत में बहुत बुरा हाल है और गंदगी का आलम है। समस्या है ना, इन्हें गंदा पानी जलाया पानी ना तो थले बौड़िए तो सब पानी पींदे आने लोग, कपड़े धो दे पानी पे गंदा पानी है, बौड़िए च नहीं आना यार, किए ना लोग यूज करना, इस थले जमीन ना तिना जमीन ना चाह कि जाना यार, है फिर ये क्या मत बोलो ये कोई पावर दिती है तो इन्हें 10 मरले खरीदा दे पावर इन्हें बड़ी भर देती इन्हें लोग, ये थोड़ी होंगी ये गल, जेडे जिथी तो बसींदे ना तिना जो भी हो ना कन्ने पावर का तिना जो भी हो सहूलत तो सब ने जो सहूलत दे सरकार भी कन्ने पंचायती आले भी इन्हें तो कोई फायदा नहीं है। सही ना पहां दे सौरा जमीन च पानी सब्जी लांदे आहां तां नहीं होगा, आहां दे बच्चे लानी हो सब्जी कपड़े धोंदे हे तां फिर इस गंदा पानी से लेना। सर ये जो गंदा पानी है हमारे 2 घर नजदीक है, हम इस पानी से बहुत परेशान है, इतने परेशान है कि बीमारी नहीं जाती हमारी, इसलिए इस रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम कि इस पानी को बंद किया जाए, अगर नहीं होता तो हम आगे से आगे जाएंगे, हो सके तो हम प्रधानमंत्री के पास भी जाएंगे, इसमें हमें कोई झुकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गंदा पानी अपने अपने घर का, अपने अपने घर के पास ही कंट्रोल रखें पानी को, दूसरे के अपना गांध उठाकर दूसरे घर के पास क्यों फेंकना है। परेशानी तो हमें हो रही है, पूरे गांव को परेशानी इस टाइम, क्योंकि सब्जियां लग रही हैं, सब्जियां खराब हो जा रही हैं, पानी लगता है फसल को वो खराब हो रही है, तो अपना पानी जो वो अपने घर में रखें, बारिश का पानी आएगा उसको हम मना नहीं करते हैं, बारिश के पानी को हम मना नहीं कर रहे हैं, हम गंदा पानी नहीं ले सकते हैं, किसी भी बेस पर नहीं लेना हमने गंदा पानी। ये अनु पंचायत अनुराग ठाकुर ने गोद ली हुई इस पंचायत के गांव का इतना गंदा हाल है, शहर के साथ लगता है ये गांव, लेकिन इस गांव से पिछड़े गांव जो वो सबसे अच्छे हैं, ये गांव सौ बन गया है, कोई सुविधा नहीं है इसमें, सबसे ज्यादा गंद डाला हुआ है, जिन्होंने मकान डाले हुए 10-15 लोग घरों ने सीवरेज का पानी निकाल दिया है, तो हम तो नहीं लेना जी ये पानी, इस पर नहीं लेना, चाहे कोई भी आ जाए नहीं लेना, टेस्ट कर रहे हैं हम इस टाइम, फिर हम दिल्ली तक जाएंगे, क्योंकि मैं महिला मंडल प्रधान बोल रही हूँ, दिल्ली तक जाऊंगी मैं, फिर भी पीछे हटूंगी। समस्या ये भाई साहब ये गंदी पाइप पाई ना जी ये पे खुआड़ी जान कने आहंदा गांव दा रस्ता इत्थे पाइपा पा दे थले बौड़ी है माता दा मंदिर है कने ये जो पंचायत है अनुराग ने गोद ली हुई है जी, नंबर 1 पंचायत बोलते हैं इसको। गौरतलब है कि सड़क के साथ बहते नाले में खुले में सीवरेज बहाये जाने से बदबू भरा माहौल बना है और साथ ही पीने के पानी की बाबरी का पानी भी दूषित होने का खतरा बरकरार है। वहीं रास्ते के किनारे ही काली माता का मंदिर भी है, लेकिन बदबू होने से लोगों का जीना दुर्भर बना हुआ है।